everyone, welcome to class 8 sessions of subject geography, and today we are discussing chapter number 5 and the chapter name is industries. This is your 6th session. तो बच्चों हम लोग class 8 का subject geography discuss कर रहे हैं और इसमें हम लोग chapter number 5 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है industries और ये आपका 6th session है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार brief recap कर लेते हैं कि last class में हम लोगों ने क्या-क्या complete कर लिया था. And after that, we will continue with our discussion. Okay? So in our last class, we were talking about iron and steel industries. तो बच्चों हम लोग जब classification of industries की बात कर रहे थे और या distribution of industries की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पूरे world में there are major 3 industries. पहला है हमारा iron and steel industries, दूसरा है हमारा cotton textile industry और तीसरा है हमारा information technology industry. That is your emerging industry. राइट तो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में कि ये कौन-कौन से रीजन में लोकेटेड है ना. तो उसमें हम लोगों ने आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में क्या देखा था कि जर्मनी, यूएसए, इंडिया, ऐसे बहुत सारे रीजंस में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है. ओके और अगर हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसे हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सिस्टम में पढ़ा था कि इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट होता है, तो यहां भी आप देखो कि इनपुट्स में रॉ मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, उसके अलावा कैपिटल, लेबर, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं बच्चों, ये हमारे इनपुट्स में आते हैं. जो हमारा प्रोसेस होता है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ योर आयरन ओर इनटू द मेटल, उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर आउटपुट, राइट, जिसको दूसरे इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है. इसीलिए हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फीड इंडस्ट्री भी कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट यहां पे बनता है बच्चों दैट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन अदर इंडस्ट्रीज, राइट. उसके बाद हम लोगों ने देखा ब्लास्ट फर्नेस के बारे में, जो हम लोगों ने स्मेल्टिंग का प्रोसेस पढ़ा था, है ना. तो ब्लास्ट फर्नेस में हमने क्या देखा था कि किस तरीके से रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा आयरन ओर है बच्चों, तो आयरन ओर, कोक, लाइमस्टोन को डाला जाता है और उसको हीट किया जाता है बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, है ना, और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट आता है दैट इज योर आयरन और उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टील में. ओके तो उसके बाद हम लोगों ने स्मेल्टिंग का प्रोसेस पढ़ा था. ओके स्मेल्टिंग के प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो आपके मेटल्स हैं दैट आर टेकन आउट और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स, है ना, एंड दैट आर दे आर हीटेड बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्मेल्टिंग प्रोसेस है, राइट. उसके बाद जो हमारे स्टील है दैट इज योर प्रोडक्ट, उसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे. दैट इज अ टफ सब्सटेंस और उसमें भी स्पेशल काइंड ऑफ अलॉयज यूज किया जाता है जिसको मिक्स किया जाता है और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है ना. तो उसमें हम लोगों ने देखा अलॉयज में आप देखो डिफरेंट मेटल्स यूज किए जाते हैं सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, तो ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता, ये सारे मेटल्स को यूज किया जाता है बच्चों और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. उसके बाद हम लोगों ने ये पॉइंट भी देखा था कि स्टील जो है दैट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. वो क्यों कहा जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट्स हैं जैसे हमारा ट्रक्स और उसके अलावा शिप्स, तो यह ट्रैक्टर्स जो है बच्चों, इन सारी चीजों में आप देखो कि स्टील का यूज किया जाता है. अगर हम लोग मशीनरी की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी स्टील का यूज होता है. ऑयल रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, जो ड्रिलिंग मशीन होता है बच्चों, उसमें भी स्टील का यूज किया जाता है, राइट. तो एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों ने समझा था कि स्टील इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो दूसरे इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और इसलिए हम लोग स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी कहते हैं. ओके तो अब आज के सेशन में हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ओवरऑल आप लोगों ने लोकेशन के बारे में पढ़ा है कि अगर हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. तो उसमें हम लोग ने रॉ मटेरियल्स के बारे में देखा, उसके अलावा लेबर, कैपिटल, लैंड, वाटर, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, राइट. तो यहाँ पे अब हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ओके सो अगर हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं कि पहले अगर 1800 के पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पे बनाए जाते थे, तो लेट अस सी दैट. सो बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजली अवेलेबल. तो इसके बारे में आप देखो कि रिवाइंड करो, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप लोगों ने लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा है ना, तो ये हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, रॉ मटेरियल्स हो गया, पावर सप्लाई हो गया, रनिंग वाटर हो गया. तो अगर हम लोग 1800 के पहले की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उस टाइम पे आप देखो कि जो भी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थे उनको ऐसे लोकेशन पे बनाया जाता था
जहाँ पे इजिली रॉ मटेरियल्स मिल जाते थे, जहाँ पे पावर सप्लाई भी उनको इजिली मिल जाता था, एंड ऑल्सो रनिंग वाटर वहां पे होता था जिसको वो लोग इजिली यूज कर सकते हैं अपने इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पे आप देखो, ये हमारा पिक्चर शो कर रहा है जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि पहले अगर हम बात करें तो रनिंग वाटर के पास आप देखोगे कि बेसिकली आपके सारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड थे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं द बेस्ट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बिटवीन 1800 टू 1950। तो अगर हम लोग 1800 से 1950 की बात करते हैं बच्चों, तो आप देखोगे कि जो मेजर इंडस्ट्रीज थे वो कौन से एरिया में लोकेटेड थे, जहां पे आपको कोल माइंस मिल जाएंगे, है ना, जहां पे आपको रेलवे लाइंस मिल जाएंगे और जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी होगा। तो वहां पे आप देखोगे थोड़ा सिनेरियो यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट, कि धीरे धीरे जहां पे रनिंग वाटर है वहां से ये लोग मूव करते हुए जहां पे कोल माइंस भी मिल रहे हैं, जहां पे रेलवे लाइंस भी है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें देखो बेस्ट लोकेशन था फॉर लोकेटिंग और फॉर मेकिंग एन इंडस्ट्री इन अ इन दैट रीजन। अब हम लोग बात करते हैं आफ्टर 1950। ओके, सो आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगैन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगेन लोकेशन चेंज किया जा रहा है, क्यों? सो यहाँ पे आप सबसे पहले इस पिक्चर में देखो कि अब जो 1950 के बाद जो आपका बेस्ट लोकेशन था वो कहाँ पे था, नियर सी पोर्ट्स। और ये क्या क्यों होने लगा, क्योंकि 1950 के बाद क्या हुआ बच्चों कि जितने भी आपके आयरन ओर्स थे वो इंपोर्ट हो रहे थे। ओके, सो बेसिकली जितने भी इंडस्ट्रीज है उनको सी पोर्ट्स के पास बनाया जा रहा था ताकि जो भी बाहर से आयरन ओर्स आ रहे हैं वो इसलिए यहाँ पे आ सके, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनका थोड़ा कट जाएगा। ओके, सो बेसिकली इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे ईयर बाय ईयर या हम लोग टाइम बाय टाइम देख सकते हैं कि कैसे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे चेंज हो रहा है अगर हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ओके, अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बोलूंगी आप इंडिया का मैप लो और एटलस में आप लोकेट करो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया के मैप में। अब जो इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों उसको आप मैप में लोकेट करने की कोशिश करो। सो ऑल द इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बंडपुर, जमशेदपुर, रौरकेला एंड बोकारो आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों जहां पे हमारे स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं। ओके, सो ये आप देखो कौन कौन से वो 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। तो पहला है हमारा वेस्ट बंगाल, दूसरा है हमारा झारखंड, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है हमारा छत्तीसगढ़। तो ये पूरा बेल्ट है बच्चों जहां पे स्टील या आयरन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज है। तो बेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका बंगाल का रीजन है, उसके अलावा ये आपका छत्तीसगढ़ का रीजन है, है ना, जो जमशेदपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का बेल्ट है बच्चों। और मैं यहाँ पे मैप में भी पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने आपके इंपॉर्टेंट स्टील या आयरन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है वो यहीं पे लोकेटेड है। और ये इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, तो पहला आपका भिलाई है, दूसरा आपका दुर्गापुर है, तीसरा आपका बुंडपुर है और चौथा आपका जमशेदपुर है, पांचवा आपका रौरकेला एंड द सिक्स्थ वन इज बोकारो। ओके, तो मैप में ये जितने भी इंपॉर्टेंट आपको मैंने रीजन्स बताए इसको आप इन सारे एरियाज में लोकेट करो, यहाँ पे भी आप मैप में ये सारे रीजन्स देख सकते हो। ओके, नाउ भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलीम इन तमिलनाडु आर अदर इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। उसके अलावा आप देखो कुछ और जो इंपॉर्टेंट एरियाज है बच्चों वो है हमारा भद्रावती एंड विजयनगर दैट इज इन कर्नाटका। तो ये आप देखो ये हमारा विजयनगर और भद्रावती है जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये कर्नाटका के रीजन में लोकेटेड है। उसके अलावा विशाखापट्टनम दैट इज इन योर आंध्र प्रदेश, ये हमारा आंध्र प्रदेश है बच्चों और ये आपका विशाखापट्टनम है। ओके, लोकेटेड नियर द सी पोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप देखो सलेम दैट इज इन तमिलनाडु। तो ये जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ बच्चों ये सलेम का रीजन है जो तमिलनाडु में है। ओके, तो ये सारे आपके अदर इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं दैट इज स्टील सेंटर्स दैट आर यूटिलाइजिंग द लोकल रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल टू देम। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं अगर हम लोग अपने कंट्री इंडिया की बात करते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सा है जो हमारे कंट्री में है, सो दैट इज योर टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दैट इज लोकेटेड इन जमशेदपुर। और ये सबसे पुराना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है बच्चों जिसको हम लोग टिस्को भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दैट इज इन जमशेदपुर। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जमशेदपुर कहाँ पे है, सो दैट इज इन झारखंड। तो ये आपका झारखंड का मैप है जो बिहार के नीचे लोकेटेड है।
ओके अगेन मैं बोलूंगी आप मैप में लोकेट करो ये पूरे रीजन को और यहाँ पे आप देखो दिस इज जमशेदपुर. ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. सो बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री दैट इज टाटा एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड दैट इज टिस्को. ओके इसको टिस्को भी कहा जाता है एंड इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड. सो बेसिकली दिस वॉज ओन बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स राइट. और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस के पहले हमारे कंट्री में सिर्फ एक आयरन एंड स्टील प्लांट था दैट इज टिस्को दैट इज ऑल्सो नोन एज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. ओके एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ योर टिस्को दैट इज लोकेटेड इन जमशेदपुर और जमशेदपुर कहाँ पे झारखंड में. ओके तो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों जो आपको यहाँ पे याद रखना होगा. नाउ टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी दैट इज नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सुवर्णरेखा रेखा एंड खारकाई इन झारखंड. तो यहाँ पे आप देखो कि टिस्को कहाँ पे है. सो बेसिकली सबसे पहले इसको स्टार्ट कब किया गया था 1907 में. तो ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पे शुरुआत किया गया था या कहाँ पे लोकेटेड था. सो इट वॉज लोकेटेड एट साक्षी. ओके दैट इज नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स. अब कौन कौन से रिवर्स है सुवर्णरेखा एंड खारकाई. ओके तो ये दोनों रिवर्स जो है आपके झारखंड में लोकेटेड है. अगेन आपके एनसीईआरटी बुक में भी मैप दिया हुआ है और यहाँ पे मैं आपको लोकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ. सो साक्षी वॉज चोजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजंस. तो जैसे आप लोगों ने लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं अभी मैंने आपको ये भी बताया कि 1950 या उसके पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके पहले जो रीजंस है जहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड थे तो रेलवे लाइंस के बगल में या फिर जहाँ पे कोल माइंस थे नहीं तो रिवर वाटर वहां पे अवेलेबल हो. तो उन सारे रीजन्स में आप देखोगे बच्चों कि आपका आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साक्षी क्यों चूज किया गया था जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बना था दैट इज टिस्को. ओके दिस इज योर टाटा स्टील वर्क्स हियर. सो दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमाती स्टेशन ऑन दी बंगाल नागपुर रेलवे लाइन. तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है रेलवे लाइन पे लोकेटेड है. सो देखो कि दिस प्लेस इट वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस रेलवे लाइन राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका रेलवे लाइन है और इससे 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका टाटा एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री जो भी टिस्को लोकेटेड था. इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर कोल एंड मैग्नीज डिपोजिट एज वेल एज टू द कोलकाता which provided a large market. तो उसके अलावा देखो कि रॉ मटेरियल भी यहाँ पे आपको इजिली मिल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो कि इट वॉज लोकेटेड नियर टू द आयरन ओर कोल एंड मैग्नीज डिपोजिट. तो आस पास के जितने भी रीजन थे बच्चों वहां पे आयरन ओर इजिली अवेलेबल था वहां पे कोल आपको इजिली मिल जाता था और मैग्नीज डिपोजिट भी थे. तो ये सारे रॉ मटेरियल इजिली मिल जाते थे इस इंडस्ट्री को एंड देयरफॉर यहाँ पे लोकेशन बहुत ही परफेक्ट था जहाँ पे टिस्को को बनाया गया था. ओके उसके अलावा कोलकाता दिस वाज अ मेजर मार्केट और दिस वाज अ लार्ज मार्केट जहां पे ये सारे प्रोडक्ट्स को वो लोग ले जाते थे. नाउ इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को. सो बेसिकली उसके बाद देखो बच्चों कि एक तरफ हम लोगों ने क्या देखा कि बिफोर इंडिपेंडेंस सिर्फ टिस्को ही बनाया गया था है ना दैट वाज द ओनली आयरन स्टील प्लांट इन आवर कंट्री. लेकिन और दिस वाज आल्सो प्राइवेटली ओन्ड. उसके बाद आप देखो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज बनाए थे राइट. सो इन जमशेदपुर ओनली सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को. और कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे ये. सो दे प्रोड्यूस केमिकल्स लोकोमोटिव पार्ट्स एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट मशीनरी टिन प्लेट केबल एंड वायर. तो उसके अलावा देखो कि धीरे धीरे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे चाहे वो केमिकल इंडस्ट्रीज हो या फिर लोकोमोटिव पार्ट्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज हो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज हो मशीनरीज के लिए हो राइट. सो इसके अलावा ये सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज इमर्ज हो रहे थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस. ओके जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद ये सारे इंडस्ट्रीज धीरे धीरे आने लगे. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे समझना कि वाई वॉज दिस प्लेस दैट इज साक्षी दैट वॉज चोजन फॉर सेटिंग अप दिस इंडस्ट्री दैट इज आयरन एंड स्टील प्लांट इन दिस रीजन इन जमशेदपुर. ओके तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा. इन टूडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जिसमें हम लोगों ने लोकेशन पे फोकस किया कि बिफोर 1850 कहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड थे उसके बाद 1950s के रीजन के टाइम तक कौन से रीजन में लोकेटेड थे और 1950s के बाद ये सीपोर्ट्स पे क्यों लोकेटेड थे है ना. उसके बाद हम लोगों ने टिस्को के बारे में बात किया था दैट वॉज स्टार्टेड इन 1907 एंड इट वॉज लोकेटेड इन जमशेदपुर दैट इज इन झारखंड.
ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर. तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही. नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर रीजन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.